वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज मी शेफ महरमा। तो आपको मेरी ड्रेसिंग से लग रहा होगा आज 14 अगस्त है, लेकिन नहीं, आज हम जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं बताएं, आपको पता है कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं ज़ियारत, और हम अपने पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा हम ड्रेसिंग भी उसी हिसाब से करें। पहले हम खाना खाएंगे, फिर हम ज़ियारत पे चलेंगे। चल, हमारा यहाँ पर खाना लग रहा था जब हम ज़ियारत जा रहे थे, तो हमें ये जायका होटल दिखा जहाँ पर हम रुक गए और बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की। बहुत आपको लजीज खाना लग रहा है ना, टेस्ट करके देखते हैं। माशाल्लाह, जहाँ पर हमारी लस्सी भी आ गई थी, बहुत ही उम्दा लस्सी थी। अब है कावा टाइम, बहुत यम्मी है गोयटा का कावा, जरूर ट्राई करें। देखे नोटी बॉय को लीमू खा रहे, खट्टा भी नहीं लग रहा है इसे। यम्मी, जैसे हम चाय चाय कहते हैं ना, यहाँ कोटिया में कावा कावा कहते हैं। आप चाय लवर हो या कावा लवर? ये रास्ता देखे, हम कोटिया से ज़ियारत जा रहे थे, पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ। ये देखे, इतना माशाल्लाह अच्छा व्यू था, माशाल्लाह पार रेड कलर के भी थे। मुझे तो इतना डर लग रहा था, बहुत डेंजर रास्ता था। ऐसे ज़ियारत तक हमें 2 घंटे लगे। कमज़ोर दिल के ना वो यहाँ ना जाए, वापस ही नहीं आएंगे, मैं बता रही हूँ। आगे आगे देखें और डेंजरस होता जाएगा। तो हम रेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, अभी मैं आपको रेस्ट हाउस रूम दिखाती हूँ। तो ये है किचन, और यहाँ हम सो भी सकते हैं, यहाँ सेकंड स्टोरी है, और यहाँ हम हीटर, यहाँ पर हीटर पड़ा होता है जो उधर नहीं है। अब बालकनी में चलते हैं, ओपन नहीं है बालकनी, सारी ताकत लगानी पड़ेगी। वाह, ये देखिए, ये देखिए, इतना मजा आ रहा है, इतनी धूप है यहाँ। चले अंदर चलते हैं, और अभी मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, अंदर चलते हैं रूम के। और यहाँ हमारा बेड है, यहाँ वार्डरोब है, और वॉशरूम में चलते हैं। ये है हमारा वॉशरूम में, ये हमारा वॉशरूम गीला है, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रही। और अभी बालकनी में चलते हैं, इधर भी बालकनी है। ये वाली ओपन है गाइस, ये देखें, इतना मज़ा आ रहा है मुझे। चले अभी अंदर चलते हैं। तो ये है हमारा पूरा रूम एंड लाउंज। माशाल्लाह।
0.5 रेस्ट हाउस से 20 मिनट दूर है। ये देखे पहाड़ों के ऊपर चले गए थे हम, अभी ऊपर और भी जाना है हमें। ये 6 बज गए थे यहाँ पर, हमने पहाड़ों के ऊपर चल रहे थे हम, और ऊपर चढ़ना है हमने। सर्दी भी बहुत है कायदे कायदे आजम, ने सोचा कैसे मैं इधर आऊं। तो देखिए सर्दी हो रही है बहुत, ऐसा लग रहा है कश्मीर में वो बादल देखे ऐसा लग रहा है। तो गाइस इतना प्यारा व्यू है, चलें फ्लावर्स के पास चलते हैं। देखिए कितने क्यूट क्यूट फ्लावर्स हैं यहाँ पर। ये पूरा रेस्टोरेंट जहाँ पर हम बैठे हैं ना, ये गार्डन है, गार्डन की तरह है। और यहाँ पर सब ये देखिए कितना क्यूट है, मैं तोड़ूंगी नहीं। देखें रोड है पूरा, अभी कुछ ऑर्डर करते हैं फिर खा के आपसे मिलते हैं। गुजरते हुए हम अंदर जाते हैं, गार्डन इनका बहुत ज्यादा खूबसूरत था। तो गाइस मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जना के घर आ गई हूं, बहुत ब्यूटीफुल है उनका घर, अंदर चल के भी देखते हैं और ज्यादा ब्यूटीफुल। कायदे आजम मोहम्मद अली जना का घर, और यहाँ पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था। मैंने कायदे आजम को फूल दिया क्योंकि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी के हमारा पाकिस्तान बनाया। आजम के घर के सामने हमारा रेस्ट हाउस भी था, हम वापस जा रहे थे रेस्ट हाउस में। ये देखें शाम का व्यू, लाइटें वाइटें सब जल रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। अभी हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, सारा काम मुझे पकड़ा दिया इन्होंने। एक भी मैं लेकर जाऊं, रखूंगी मैं, सब कुछ मैं ही करूंगी। अब हम जा रहे हैं रात का खाना खाने। आज हमने सारा दिन ज़ियारत एक्सप्लोर की, इतना खूबसूरत है ज़ियारत, और मस्ट आप आए इधर। और कायदे आजम के घर से बहुत खूबसूरत है उनका घर, मैंने आपको भी दिखाया था। ये फिर से मस्तियाँ कर रहा है। ओ मैं तो भूल गई डिनर की फोटो ही खींचना, मैं कॉफी पी रही थी। हमारा आज ज़ियारत में स्टे है, और यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। कल का वीडियो देखना मत भूलेगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। जितनी हो गई थी लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। बाय।